खाने के लिए। हाय बोल दीजिए एक बार। तो फाइनली गाइस हम लोग अंदर की तरफ आ चुके थे, जैसे अंदर का नज़ारा और लगभग कितना दूर है जाने के बाद हमको मालूम चला गया था। चलिए अब लोग में बने रही है, और जो कभी नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंदर का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत, और आगे तरफ निकल गया पिनाक और उत्तम भैया। और चले चलते हैं आगे तरफ में, और कुछ इस तरह है अंदर का नज़ारा देखते। सो गाइस अंदर की तरफ में आने के बाद आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा नज़ारा, देखिए ये मिलेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ का नज़ारा देखने के बाद हम लोग जाएंगे वाटरफॉल में। ऊपर चलते हैं और यहाँ का नज़ारा में दिखाएंगे आपको ऊपर से जाके, तो ये रेस्ट हाउस है देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह नज़ारा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। आगे तरफ में ब्रिज है, तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। देखिए ये बड़ा सा वाटरफॉल का झरना पानी यहाँ से लहराते हुए आते हैं, और यहाँ पे आपको दुकान वगैरह देखने को मिलेगा, जो भी सामान आपको चाहे आप ले सकते हैं यहाँ पे मिलेगा। तो ये गाइस कुछ इस तरह व्यू है, और ये देख सकते हैं फुट ब्रिज है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे की तरफ में, ठीक है गाइस। बाय बाय। तो देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रिज है, और कुछ इस तरह नज़ारा है। देखिए यहाँ में बैठ के रेस्ट कीजिए, ठीक है गाइस। कोई कुछ आके अभी नहाते नहा लेता है पानी के, ये पानी बहुत ठंडा है, मैंने फेस धुलाया तो मुझे ठंडा खूब बहुत ही ठंडा है पानी, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरह है, देखिए वहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहा होगा, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ का व्यू देख लिया, तो चलिए आगे तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ बड़ा सा वाटरफॉल देखने के लिए। तो चलिए भाई लोग खड़ा है, देखिए तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गया नीचे वाटरफॉल, और मेरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है यहाँ का, सबसे बड़ा। मैंने पहले भी वाटरफॉल का मैंने बनाया था ब्लॉग, ठीक है गाइस। ओ देखिए गाइस बहुत ही बड़ा वाटरफॉल, पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन ये सब आप लोगों को देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो चलिए बाइक को पार्क करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस हम लोग बहुत दूर आने के बाद अभी थोड़ा फेस वॉश कर लेते हैं, और अभी हम लोग फेस वॉश करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे यहाँ का ब्लॉग, ठीक है गाइस। ओ कैसा लगा यहाँ पे आके उत्तम भैया? तो बहुत मजा आएगा गाइस, और हम लोग करेंगे फुल्ली एंजॉय। तो चलो गाइस शुरू करते हैं अभी। तो गाइस मैं अभी फेस धुलाऊंगा, ठीक है, फेस धुलाने के बाद यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, फेस पहले वॉश कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं फ्रेश हो गया गाइस, अभी मैं आप लोगों का यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो सबसे बड़ा वाटरफॉल ये पर है, देख सकते हैं ये है, ये जो वाटरफॉल है गाइस, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है। पहले भी मैंने वाटरफॉल का बनाया था, लेकिन इससे भी बड़ा ये वाटरफॉल है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चले आगे तरफ आप लोगों में दिखाते हैं, देखिए मेरे पीछे तरफ का वाटरफॉल देखिए बहुत ही खूबसूरत, मैं आप लोगों को नज़दीक में जाकर दिखाऊंगा गाइस। और आगे तरफ चलते हैं, अभी देखते हैं आगे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। चलिए अभी कैमरे से
कहाँ से देख सकते हो वाटरफॉल। फिलहाल अभी ये छोटा मोटा है, मैं आप लोगों को इससे भी बड़ा मैं वाटरफॉल आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। देखिए वाटरफॉल का जो नज़ारा है बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आप लोगों को ले बेलूर घाट में, तो बेलूर घाट कहते हैं बहुत फेमस है, तो इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा वाटरफॉल आ रही, कुछ इस तरह नज़र है यहाँ का देखिए। और आगे तरफ चलते हैं, चलिए ब्यूटीफुल गाइस देख सकते गाइस। आज का ये मेरा वाटरफॉल का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। ये बड़ा सा वाटरफॉल, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।